ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा वो भी सोने का इंडिया का कोटे तो नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट कमाना तो पड़ता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलग्रैड स्टूडियोज दोस्तों आपको बता दें कि उनतीस साल के बोल्ड के जीवन में ना बस एक ही दिन ऐसा था जब वो धीमे पड़ गए क्योंकि अपने जन्म के तय दिन से दस दिन बाद वो दुनिया में आए आपको बता दें दोस्तों लेकिन उसके बाद उनकी रफ्तार कभी भी कम कभ नहीं हुई माँ जेनिफर बताती है कि जब बोल तीन हफ्ते के थे ना तभी उन्हें पता चल गया था कि वो खास है

जिंदगी में टीचर थॉर्पे का बहुत बड़ा योगदान है स्कूल में वो उनका बहुत ख्याल रखती थी हमेशा उन्हें लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी स्कूल में बोल्ट एक औसत छात्र थे लेकिन बेहद लोकप्रिय थे बोल्ड के पिता वेल्स ली ने बीबीसी स्पोर्ट्स को को बताया कि उनके बेटे को हारना पसंद नहीं है ओलंपिक में सात स्वर्ण पदक ग्यारह विश्व खिताब और ढेरों विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने का मतलब है कि उनके पास पूरे करियर के दौरान आंसू बहाने का समय ही नहीं था पंद्रह साल की उम्र तक बोल्ट एथलेटिक्स की दुनिया में पहच जाने जाने लगे थे 2002 में जहां एशियन खेलों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता वहीं उसी साल बोल्ट ने अपने से चार साल बड़े एथलीटों के साथ खेलते हुए जमैका में 200 मीटर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे कम उम्र वाले स्वर्ण पदक विजेता बन गए उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के उभरते स्टार का अवार्ड भी जीता आपको बता दें कि अमेरिकी कॉलेज ने उन्हें युवा स्टार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप से भी नवाजा फिर 2004 में जहां एक तरफ चंदन तस्कर विरप्पन मारा गया वहीं इसी साल बोल को एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैटलिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा लेकिन साल 2008 में जहां भारत की प्रौद्योगिकी तरक्की करके चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गई थी वहीं उसी साल बीजिंग ओलंपिक में गैटलिन पर चार सालों के प्रतिबंध लगने के कारण वो खेल नहीं पाए और बोल्ट को मौका मिल गया यही वो वक्त था उसेन बोल्ट उभर कर सामने आए और उन्होंने एथेंस में गैटलिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया 2012 जिस साल में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने उसी साल लंदन ओलंपिक में गैटलिन को कांस्य पदक मिला जबकि बोल्ट अपनी जीत को बरकरार रखने में सफल रहे और स्वर्ण पदक अपने नाम किया रियो ओलंपिक में बोल्ट ने कुल मिलाकर हैट्रिक की हैट्रिक बनाई उन्होंने नौवा गोल जीता है ये उनका तीसरा ओलंपिक है और हर बार उन्होंने अपने पसंदीदा 100 मीटर 200 मीटर और चार गुना सौ मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल ही जीता उसेन बोल्ट की रियो 2016 उनकी आखिरी ओलंपिक है बोल्ट के जमैकन टीम्स मेट आसाफ़ा भले ही रियो में नहीं खेले लेकिन उनका मानना है कि बड़ी प्रतियोगिताओं में बोल्ट का होना बेहद जरूरी था उनके मुताबिक ये खेल के लिए अच्छा है क्योंकि वो दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी है और विश्व रिकॉर्ड होल्डर है पावेल कहते हैं कि सभी बोल्ट को हराना चाहते हैं वो बहुत ताकतवर है और बहुत तेज भी है आज से पहले बोल्ट को बहुत कम लोग जानते थे लेकिन दंगल टू के जरिए ऐसे ही कुछ एथलेटिक्स की कहानी घर घर पहुंच सकती है जी दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप जाते जाते इस वीडियो को ना लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत नमस्कार